सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे में तू मरती है, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। दोस्तों, पैसा हम सभी को प्यारा है, हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे में अगर घर में बैठे बैठे हम ऑनलाइन कुछ इनकम कर दे तो वहां पे मजा ही कुछ अलग ही है। तो आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे पांच ऐसे टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जहां पे आप इसको फॉलो करके घर बैठे बैठे आप लाखों कमा सकते हो। तो आप ये वीडियो को जरूर पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडिश ट्यूटोरियल्स पे, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप मेरी ये वीडियो को देखकर आप रातों रात अमीर बन जाओगे या फिर आप कल सुबह उठ के आप लाखों कमाओगे, तो आप ये गलत फहमी को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। ऐसा कोई भी उपाय नहीं होता है जो कि आपको रातों रात अमीर बना देता है, वो सिर्फ लॉटरी में ही होता है। लेकिन यहां पे जो आपको मैं पांच मेजर जो टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, इसको अगर आप घर बैठे बैठे अच्छी तरह फॉलो करेंगे तो आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने बाद, नहीं तो तीन महीने बाद, यह आपको जरूर लाखों कमा के दे सकता है। और यहां से शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप ये सब चीजों को जो है अच्छी तरह समझिए और ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स होते हैं। अब पहले पे आते हैं, पहला जो मेन अर्निंग इनकम होता है वो होता है, मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं मतलब कि YouTube, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो YouTube से। अब YouTube जो होता है यहां पे दो अलग अलग चीजें होते हैं, अगर आपको क्विक मनी चाहिए वहां पे एक अलग चीज होता है, अगर आप जेन्युइनली इसको लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हो वो अलग चीज होता है। यहां पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, एडसेंस एक एड पब्लिशिंग कंपनी होती है जो कि आपके वीडियो के आगे एड डालती है। अब क्या होता है, अगर आप क्विक इनकम करना चाहते हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप एक चैनल खोल सकते हो जहां पे आप वायरल चीजें दिखा सकते हो। मतलब कि सपोज मूवी में कोई मिस्टेक हुआ है तो आप लिख सकते हो वहां पे 3 mistakes इन दिस मूवी, या फिर अगर आप सेलिब्रिटी के ऊपर कुछ करना चाहते हो, वहां पे एक सेलिब्रिटी ने दूसरे सेलिब्रिटी को थप्पड़ मारा है, वो चीज को आप वायरल बना सकते हो। अब ये चीज वायरल है, यहाँ पे आप इसको वायरल कर सकते हो और इसको जो हो आप इससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। लेकिन अभी जो है, अभी YouTube बहुत ही स्ट्रिक्ट बन चुका है, यहाँ पे आपके चैनल को रिव्यू किया जा रहा है, तो इसमें अगर आप कुछ गलत कंटेंट डालते हो, अगर कुछ भी गलत दिखाते हो, कॉपीराइट स्ट्राइक आती है या फिर अगर कम्युनिटी स्ट्राइक आती है, तो वहां पे क्या होता है, आपके चैनल को बंद किया जाता है या फिर आपके एडसेंस अकाउंट को पूरी तरह डिसेबल किया जाता है। तो यहां से इनकम अच्छी होती है, लेकिन आप अगर गलत चीज दिखाओगे वहां पे नुकसान होता है आपके लिए और आपका चैनल बंद हो जाता है। तो इसको मैं रेकमेंड नहीं करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जेन्युइन चैनल बनाते हो YouTube पे या फिर कुछ नॉलेजेबल चीजें आप दिखाते हो वहां पे, बहुत ही जेन्युइन होता है, तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग में शायद ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब व्यूअर्स जो होंगे वो आपके साथ जुड़ जाएंगे तो वो आपके चैनल को अच्छी तरह देखेंगे और बाद में ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा और वहां पे बहुत सारे ऑडियंस जो है वो वहां पे जुड़ जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है, आपके जो वीडियोस होते हैं तो वीडियोस के आगे YouTube क्या करती है, बेसिकल जो एडसेंस है वहां पे YouTube आपके वीडियोस के आगे जो है एड डालती है। तो एड डालने के बाद जितने बार वो एड वहां पे आता है तो वो जो एड को बोला जाता है इंप्रेशन। तो जितने बार इंप्रेशन आएगा उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे और जितने बार व्यूअर्स उस एड को क्लिक किए तो वहां पे आपको कुछ ज्यादा अमाउंट मिलता है। तो वहां पे वो आपके एडसेंस अकाउंट को चला जाता है और आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो बहुत सारे व्यूअर्स अगर आपके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो वहां पे उससे आपको पैसे मिलते हैं। तो आपके चैनल को आप एक कंपनी की तरह सोचिए, आपने जब भी एक चैनल को बनाया है तो वहां पे आप सोचिए कि ये एक कंपनी है, आपने कंपनी खड़ा किया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस कंपनी को किस तरह आगे लेके जाते हो। तो एक तो रहा YouTube अर्निंग इनकम। अब दूसरी चीज पर आते हैं, दूसरा चीज जो होता है वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, आपने अगर Amazon में कुछ खरीदा होगा, आपका अकाउंट होगा, या फिर Flipkart पे अगर आपका अकाउंट होगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है, तो वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फिर बाद में जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो, सपोज आपको एक इलेक्ट्रॉनिक चीज पसंद है, आपको एक मोबाइल फोन पसंद है, आप वो एफिलिएट प्रोग्राम के मदद से वो जो मोबाइल होता है उसका एक लिंक जनरेट कर सकते हो। अब वो लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, तो जो भी वो लिंक को क्लिक करके उसके अंदर की जो भी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज या फिर जो भी होगा, उसको अगर खरीदता है तो आपको उसके लिए कुछ कमीशन मिलता है। हो सकता है वो 5% हो सकता है 10% हो सकता है वो 15% हो, तो आपको उसके लिए कमीशन मिलता है। तो सपोज वहां पे 10,000 रुपए का
मोबाइल है, तो आपने वो लिंक को शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ, तो वहां पे आपका दोस्त अगर उसको खरीदा तो आपको उसके लिए 1000 रुपया मिलता है। तो वहां पे आप अगर अपने YouTube चैनल को वहां पे ग्रो कर दिए तो आप एफिलिएट प्रोग्राम की मदद से वहां पे अपने चैनल पे वो डिस्क्रिप्शन पे वो दे सकते हो, और वहां से आपके व्यूअर्स जो है अगर वो उसको खरीद रहे हैं तो वहां से एफिलिएट प्रोग्राम की मदद से आपको वहां से इनकम आ जाती है। अब तीसरी चीज है वेबसाइट या फिर इवेंट ब्लॉगिंग। अब ये क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। सपोज आपको फोन्स में इंटरेस्ट है, सपोज आपको फोन्स के लिए रिव्यू देने में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट बनाने के लिए ज्यादातर 1500 या 2000 रुपए ही वहां पे लगता है। अब आपने वो वेबसाइट बना दिया, अब वेबसाइट में आपने किया क्या, हर फोन के बारे में आपने वहां पे रिव्यू दिया, तो वो जो वेबसाइट में जो रिव्यू आपने दिया है तो वहां पे लोग आपके रिव्यू को देखेंगे। या फिर सपोज आपको बॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्ट है, आप एक क्रिटिक बनना चाहते हो, तो वहां पे आप बॉलीवुड मूवीज के बारे में लिख दिया वहां पे वेबसाइट में, या फिर आपने लिखा है वहां पे टॉप 10 मूवीज ऑफ 2017 ऐसा कुछ आपने लिखा है, तो जो भी आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अच्छा कंटेंट कुछ है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हो। तो वहां पे एडसेंस जो होता है वो आपके वेबसाइट में क्या करता है, एड्स डाल देता है। अब एक बार एड्स वहां पे आ गए, मतलब जितने बार लोग देखेंगे, जितनी एड वहां पे आएगी, तो वहां पे हर इंसान जो है एक बार क्लिक किया, मतलब आपके एडसेंस अकाउंट में वो पैसे आपको मिल जाएंगे, तो इससे भी आप इनकम कर सकते हो। अब इवेंट ब्लॉगिंग भी यही होता है। इवेंट ब्लॉगिंग में क्या होता है, सपोज यहां पे हर साल क्या होता है, न्यू ईयर, हर साल न्यू ईयर होता है, या फिर दिवाली होता है, या फिर होली आता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, न्यू ईयर के दिन आप ग्रीटिंग्स अपना कुछ एक साइट बना सकते हो, जहां पे आप ग्रीटिंग्स बेच सकते हो, या फिर दिखा सकते हो मैसेजेस वहां पे, दिखा सकते हो दिवाली की मैसेजेस या फिर न्यू ईयर की मैसेजेस वहां पे आप दिखा सकते हो। अब वहां पे कोई अगर वहां पे सर्च किया दिवाली मैसेजेस, तो वो आपके साइट पे आके अगर पहुंचा वहां पे, तो वहां पे वो देखेगा मैसेज, तो वहां पे आप एड डाल सकते हो अपने चैनल पे। एक बार वो एड शो हो गया, मतलब वहां पे आपके एडसेंस अकाउंट में वो आ गया। तो ये रहा वेबसाइट या इवेंट ब्लॉगिंग। तो यहां पे आप देखिए, इन तीन चीजों को अगर आप मिक्स कर दोगे, यूट्यूब को अगर एफिलिएट मार्केटिंग के साथ मिक्स कर दिए, उसके बाद उसको अगर आपने मिक्स कर दिया वेबसाइट और इवेंट ब्लॉगिंग के साथ, तो वहां पे क्या होगा, आप अपने यूट्यूब चैनल में एफिलिएट मार्केटिंग दे सकते हो। वहां पे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू तो पैसे आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ यूट्यूब में भी आपको पैसे मिल रहे हैं। अब यूट्यूब में क्या हो रहा है, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलता है। स्पॉन्सरशिप मतलब आपने बहुत चैनल में आपने दिखा होगा, पहले लिखा हुआ आता है कि दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कंपनी का नाम, चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अब ये क्यों आता है, यहां पे जो कंपनी होती है वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, या फिर बोलती है कि आप मेरे ये वीडियो को, मेरे सॉफ्टवेयर को आप 10 सेकेंड के लिए अपने वीडियो के आगे डालिए। अब वो जो होता है वो आपके लिए 100 या फिर $500 वो पे करती है। तो आपने 10 सेकेंड के लिए आपके वीडियो में उनकी जो सॉफ्टवेयर है वो आपने डाल दी है, तो वहां पे जो होता है आपके लिए वो $100 या फिर $500 वो आपको पे करती है उसके लिए। तो स्पॉन्सरशिप पे भी आपको यहां पे मिलता है। तो तीन चीजों को आप मिक्स करके एफिलिएट मार्केटिंग के जो लिंक्स होते हैं वो आपके वेबसाइट में दे सकते हो, आपकी यूट्यूब चैनल पे दे सकते हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप 1000-1000 कमा सकते हो। साथ ही साथ आप यूट्यूब में भी 1000-1000 कमा सकते हो, और वेबसाइट में भी आप यूट्यूब के चैनल का लिंक दे सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक दे सकते हो। तो ये तीन चीजों को आप मिक्स कर सकते हो यहां पे। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ जो होता है वो है क्लाइंट बेस्ड अर्निंग। क्लाइंट बेस्ड अर्निंग मतलब आपको कुछ चीज में इंटरेस्ट होनी चाहिए या फिर नॉलेज होनी चाहिए। सपोज आपको यहां पे लोगो में इंटरेस्ट है, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, या फिर फोटोशॉप में इंटरेस्ट है, या फिर कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ साइट्स होते हैं जैसे कि freelancer.com या फिर contentmart.com या फिर होता है fiverr.com, तो ये सब जो साइट्स होते हैं यहां पे आप एक बार रजिस्टर कर दिए तो आप, आपका जो भी रहता है, जो भी आपको नॉलेज है, तो आप वहां पे अपलोड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन में दे सकते हो अपने अबाउट सेक्शन में। तो वहां पे क्लाइंट्स होते हैं जो कि ये देखते हैं कि अगर उनको वीडियो एडिटिंग में उनको चाहिए कि उनके कंपनी के लिए कुछ वीडियो एडिट करके आप दे, तो वो आपको पे करेंगे $500 या फिर $1000। तो वो पे करने के बाद आप उनके लिए वो काम कर दोगे, तो उनके उसके बदले आपको मिलेगा $500 या फिर $1000। तो यहां पे बहुत सारे लोग इसको फुल टाइम की तरह लेते हैं, जहां पे वो प्रोवाइड करते हैं जो नॉलेज उनका है, वो सब चीजें यहां पे प्रोवाइड करते हैं। यहां पे लाखों कमाते हैं लोग पैसे फ्रीलांसर में या फिर कंटेंट मार्ट या फिर फाइबर पे। तो जो क्लाइंट बेस्ड जो भी इनकम रहता है, इससे भी आप पैसे कमा सकते हो। अब फोर्थ चीज जो है वो होता है डोमेन परचेजिंग एंड एक्सपायरी बिजनेस। अब डोमेन का मतलब होता है, आपने देखा होगा www.youtube.com, अब वो जो वेबसाइट का नाम होता है वो डोमेन होता है। तो आपको अभी क्या करना है,
अभी आपको हमेशा देखना होता है कि नया नया क्या क्या चीजें सब निकला है यहाँ पे। जो नई चीज यहाँ पे निकली है तो आपको उसके ऊपर एक डोमेन खरीदना है। सपोज गवर्नमेंट अभी कुछ नई चीज इन्वेंट की है, जैसे कि सपोज आधार के ऊपर कुछ नई चीज यहाँ पे निकली है, अब वो आधार बेस्ड नाम आप खरीद सकते हो, जैसे कि www.aadharkard.com। अब ये डोमेन आपने खरीद लिया है तो गवर्नमेंट को वो डोमेन जैसी भी हो चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक नया स्कीम निकाला है तो वो डोमेन उसको जरूर चाहिए। तो आप यहाँ पे खरीदोगे उसको 500 रुपए में, तो आप गवर्नमेंट को यहाँ पे बेच सकते हो उसको 1,00,000 या फिर 2,00,000 में। यहाँ पे लोग 4 या फिर 5 लाख तक ये चीज को बेचते हैं, उसको आप बेच सकते हो। आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा, आपको देखना होगा कि कौन सी नई कंपनी यहाँ पे बन रही है, और उसके मदद से आप वहां पे वो कंपनी के नाम से कुछ एक डोमेन रजिस्टर कर दोगे, वहां पे आप बैनर लगा दोगे कि ये डोमेन मेरे पास है, अगर आपको ये डोमेन चाहिए तो ये नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपने एक बार वो लिख दिया तो वो जो कंपनी होती है वो अगर कांटेक्ट करती है आपको, तो आप अगर 600 में खरीदे हो तो आप उसको 1,00,000 में बेच सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो 5 या फिर 6 डोमेन खरीद के, तो वहां पे अगर 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, इसको आप 5,00,000 या फिर 10,00,000 में इसको बाद में आप बेच सकते हो। अब एक्सपायरी में भी यही होता है, कंपनीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डोमेन खरीद लेते हैं, वो 1 साल के लिए होता है या फिर 2 साल के लिए होता है। अब एक बार वो एक्सपायर हो गया मतलब आप उसको तब खरीद लोगे, बाद में वो कंपनी जब उसको वो डोमेन चाहिए, उसको पता चलेगा कि आपने वो डोमेन खरीद लिया है, उसके पास जो डोमेन था, तो फिर से वो कांटेक्ट करेगी आपको, तो आप फिर से उसको दे सकते हो ज्यादा प्राइस में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि क्या क्या चीजें अभी चल रही है, क्या क्या टेक्नोलॉजी बन रही है और क्या क्या कंपनी अभी बन रही है सब, तो उसके मदद से आप वहां पे जो हो डोमेन खरीद सकते हो। अब ये जो 5 चीजें हैं, ये आप अगर अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने दिमाग से, तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो। पहला जो YouTube रहा, एफिलिएट मार्केटिंग और वेबसाइट इवेंट ब्लॉगिंग, ये 3 चीजों को आप अपने आप मिक्स कर सकते हो और वहां से आप बहुत बहुत पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे लोग लाखों ही नहीं करोड़ों कमा रहे हैं इन सब चीजों से। और जो इवेंट ब्लॉगिंग होता है, वेबसाइट ब्लॉगिंग, सिर्फ आपको YouTube का ही बात नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे फोन के ऊपर रिव्यू दे सकते हो, यहाँ पे आप हो सकता है आप अगर फिल्म के ऊपर आपको इंटरेस्ट है तो वहां पे आप फिल्म के ऊपर भी चीजें बना सकते हो। अब डोमेन एक्सपायरी जो है, डोमेन वो भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा वहां पे। और सबसे जो मेन चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फ्रीलांसर होता है, मतलब कि जो क्लाइंट बेस्ड आपको जो भी चीजें मिल रही है, क्लाइंट बेस्ड जो भी इनकम हो रहा है, तो वहां से आपका दिमाग भी अच्छी तरह इस्तेमाल हो रहा है और आप उसके लिए पैसे भी आपको मिल रहे हैं। तो ये 5 चीजों को अच्छी तरह देखिए। बाद में जो रेफर सिस्टम होता है, जहां पे आप 2 रुपया 3 रुपया कमा रहे हो, उसको मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं, वो चीजें बहुत ही गलत है। आप एक कंपनी को रेफर कर रहे हो, उसकी प्रमोशन कर रहे हो, बाद में आपको 2 रुपया 3 रुपया मिल रहा है, तो उसका उसमें आपको टाइम आपका पूरा खराब होता है। तो अगर ये 5 चीजों को अच्छी तरह आप समझोगे और अच्छी तरह थोड़ा दिमाग लगाओगे, हो सकता है आप 1 महीने में ये नहीं कमा पाओगे, लेकिन अगर इसमें थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे अच्छी तरह, इसको अगर आप लोगे अच्छी तरह, देखोगे क्या क्या चीजें इसमें है, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद आपकी इनकम अगर स्टार्ट हो जा रही है, मतलब आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाओगे। स्टेबल नहीं होता, यहाँ पे आप बढ़ते रहते हो। आपने 1,00,000 कमाया, फिर 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000, तो यहाँ पे चीजें ऐसी है, मतलब यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे कमा रहे हो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा यहाँ पे। और जो आपको मिल रही है यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, हार्डवर्क करना होगा, लेकिन यहाँ पे इनकम बहुत है। तो बस आप अभी से शुरू हो जाए, अगर आपको ऑनलाइन इनकम अर्न करना है, तो इन सब चीजों को देखिए, अच्छी तरह समझिए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इवेंट ब्लॉगिंग, वेबसाइट ब्लॉगिंग क्या होता है, अब सर्च करके अच्छी तरह इनको समझिए और एक वेबसाइट अपना खुद का बना सकते हो, वहां पे आप चीजें डाल सकते हो और अच्छी तरह अपने जो कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको 5 ऐसे ऑनलाइन पैसे कमाने के टेक्निक के बारे में पता चला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह अपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें लेके आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।